अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? अल्लाह से दुआ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब नाइन्थ की जो मैथ है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से उठा कर वो करके दिए जाएंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें और 100% रिज़ल्ट आपका आ सके। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम जाते हैं 2.4। इसके मैं सेपरेट क्वेश्चन पे लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सामने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि पावर अगर माइनस हो तो जब उनको उनका रेसिप्रोकल लिया जाता है तो उनकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए, इसमें सब की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हम 196 को ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 243 को हम नीचे ले आते हैं, इसकी पावर प्लस 2/3 हो जाएगी, और 32 भी नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस 1/5 हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं, हम फैक्टराइजेशन करेंगे 196 की। सबसे पहले 196 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 = 18, 1 कैरी जाएगा तो 8 = 16। फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 = 4, 2 = 9. अब आपको पता है कि ये किस पे डिवाइड होता है, 7 पे, 7 = 1, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें 2 रेज क्या बन रही है, 2, और 7 रेज भी क्या बन रही है, 2। तो हम इसको लिखेंगे 2² × 7² और आपको ये भी पता है कि अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 243 की तरफ आते हैं, 243 आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट पे 3 है, इवन नंबर होना ज़रूरी है, तो 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 × 8 = 1, 3 × 2 = 7, 3 × 9 = 3, 1 × 3 = 9 and 3 = 1. तो अब देखें स्टूडेंट्स, 3 की पावर क्या बन रही है हमारे पास, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 raise 5 whole raise 2/3। आगे हम लिखेंगे 32 की फैक्टराइजेशन, 16 = 8 = 4 = 2 = 2 and 2 = 1. तो ये भी आपके पास 5 बन रही है, 2 raise 5 1/5। ये स्टूडेंट्स, आगे हम इनकी पावर को सेपरेट ले लेते हैं, 2 raise 2 whole raise 1/2, 7 raise 2 whole raise 1/2 / 5 × 2 = 10, 3 raise 10/3, और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ये अब देखें ज़रा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 रह जाएगा, नीचे हमारे पास 3 raise 3 × 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब ये 3 × 3 3/1/3 कैसे हो गया है, आपको पता है कि 10/3 को जब हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कुछ ऐसे, 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9, 1, ये आपको पता है कि ये होल नंबर बन जाता है ये वाला, और ये हमारे पास रिमाइंडर नॉमिनेटर बनता है और ये डिनोमिनेटर ही रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/3। दूसरी बात, इनको इनके दरमियान में, होल नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान में हम प्लस भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब इनको प्लस करेंगे इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा, इसके नीचे 1 है और 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, तो 3 × 3 = 9 + 1 ये क्या बन जाता है, 10।
तो सेम देखें दोबारा से वही बन गया। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आगे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 3 raised 3 + 1/3 रह जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे कि ये 2 raised 3 × 2 raised 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised 3 + 2। तो अगर पावर जो है वो प्लस में हो तो हम उनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि इस शक्ल में हमें दिया हुआ है तो हम दोबारा इस शक्ल में जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 raised 3 × 3 raised 1/3। इस बेस को हमने एक बार इस पावर के साथ लिखा और एक बार इस पावर के साथ लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 raised 3 क्या होता है, 3 × 3 × 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 आ जाएगा। और इसको हम इंडेक्स में लिखेंगे, इंडेक्स में कैसे लिखते हैं, बेस इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे इंडेक्स लिखा जाता है, ये जो नीचे पावर होती है जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स बनता है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन की समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।